रोपवे से निकल के हम आए हैं इस जगह को कहते हैं दिघली पोखरी, जो रोपवे से बस 5 मिनट की दूरी पर है। और हम लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ा बोटिंग कर रहे हैं और आप लोगों को भी बोटिंग का नज़ारा दिखाने। एक पार्क है और ये हैंडी कॉलेज और कॉटन कॉलेज के ऑपोजिट में ही है। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जज आप देख रहे हैं, इसके ऑपोजिट में ही है। ज़रा बोटिंग करते हैं और बोटिंग करके आपको बोटिंग का नज़ारा दिखाते हैं। पहले टिकट ले लेते हैं फिर करते हैं। और आप देख रहे हैं हमने शुरू कर दिया है बोटिंग, पैडल बोटिंग। मेरे दोस्त और उसका बेटा वो दोनों ही पैडल कर रहे हैं और हम लोग ऐसे ही बैठे हैं। हम लोग नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे हैं और बोटिंग का मज़ा उठा रहे हैं। और हैंडल भी मेरे दोस्त का बेटा ही घुमा रहा है। मेरा दोस्त अभी हैंडल पकड़ के बैठा है। নানা আবার যদি বিপটে বোঝায় কি দরকার পড়ছে, সিটে বসে সিটে বসে দে, সিটে বসে থাকো সিটে বসে থাকো। তো আপকো কেসা লাগ রহা হ্যায়, তুমকো কেসা লাগ রহা ভাই? বড়িয়া বড়িয়া, খালি বড়িয়া বড়িয়া, মজা আ রহা হ্যায়, বহুত মজা, মজা হি মজা হ্যায়, মজা হি মজা। আর এই দেখিয়ে পানি, আর হম বোটিং কর রহে হ্যায়, দূসরে লোক ভি বোটিং কর রহে হ্যায়। জলে গন্ধ আছে একটু না? আপকো কেসা লাগ রা হ্যায়? একদম একদম কিয়া বহুত আচ্ছা লাগ রা হ্যায়, ঝকাস। মুঝে ভি দিখাইয়ে থোড়া, মানে পানি পি লেতা হুঁ, গলা সুখ গিয়া, গলা সুখ গিয়া। আপকো কেসা লাগ রা হ্যায়? মুঝে তো বহুত মজা আতা হ্যায় লেকিন পানি সে বহুত ডর লাগতা হ্যায় কিউঁকি মুঝে তৈরনা নাহি আতা হ্যায়। আপকো তৈরনে কে লিয়ে কন বোল রা হ্যায়, আপ তো বেঠা হো। হ্যান্ডেল ঘুমাও, হ্যান্ডেল ঘুমাও। মোবাইল ফেলাই দিন আবার, মোবাইল ফেলাই দিন ভাই। দত্ত গেলে পড়ে যাবি, এ বয়ে থাক। আব নজারা দেখিয়ে কিতনা সুন্দর হ্যায়। और अब बस नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। इधर देखिए पेयर्स में लोग बैठे हैं,
इसे आप एक टाइप का लवर्स पॉइंट भी कह सकते हैं, है कि नहीं है? जबकि मैं और मेरी बीवी शायद एक ही बार आए थे इसमें, शायद वो भी शादी से पहले एक बार जब मिले थे। लेकिन बहुत सुंदर पार्क है, दिघुली पुखरी, इसे कहते हैं दिघुली पुखरी। प्योर वेजिटेरियन, और इधर प्योर वेज रेस्टोरेंट भी था जो मेरे दोस्त ने बताया, जो मैंने देखा ही नहीं। वो लिखा है, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, प्योर वेजिटेरियन इसलिए रेस्टोरेंट, वो वाला बिल्डिंग पेड़ के पीछे। और देखिए लोग उधर भी बोटिंग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए दोनों का। संभाल के संभाल के, और एक पूरा राउंड ट्रिप हम जा रहे हैं, और मेरा दोस्त और उसका बेटा ही पैडलिंग कर रहा है, बिकॉज दे आर वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी है दोनों में, हमें नहीं है। ये मेरी बीवी और मैं तो ऐसे ही पहले से खुश हैं, और भाभी भी बीमारी चल रही है अभी। भाभी अपनी शक्ल दिखा दीजिए ज़रा, भाभी के चेहरे पर एक मुस्कान तो आई है। मेरे दोस्त को आपने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, ये मेरे बचपन का दोस्त है, और उसका बेटा है, सेम टू सेम लगते हैं ना दोनों देखने में, बाप का बेटा, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, एक कहावत है ना। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है पैडलिंग करके, थक गए क्या? नहीं, अभी भी बहुत एनर्जी है। बाप रे बाप, उसके बेटे में तो बहुत एनर्जी है, बस 9 साल का है, लेकिन देखिए एनर्जी देखिए, और मुझे देखिए, मतलब देख नहीं सकते सुन सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है। ओए अभी हमारा बोट एक बोट से टकरा गया, पानी साफ कर रहे हैं, वो पानी साफ कर रहे हैं। और बेना बाबा कह दिया मैंने उनको कि बुरा ना, मतलब माने बुरा ना माने, बुरा ना मानो, होली है। ओ एक्सीडेंट हुआ, बाल काट 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 है, तेरा जिप्स अगेन, बोट थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सीधा कर बोट चल रहे हैं। तो मिलते हैं आपको बोट से उतरने के बाद, थैंक यू। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बोट राइड ख़त्म करी है, और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और बाकी कुछ घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। ओके थैंक यू, बाय 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 बाय, कहते बोधी बाय 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 बाय, पीयूष भाई कहते बाय कह।